श्यावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की श्री बाल कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिवाय। पूज्य गुरुदेव को शत शत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के तीसरे दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे, कल हमने कथा को कहां विराम किया। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ है। तुलसी बाबा ने लिखा, हर गिरजा कर भयं विवाहो, सकल भुवन भरिरा उछाओ। सब लोगों में आनंद ही आनंद है। देखिए, बारात ज्यादा दिन तक नहीं रुकी है क्योंकि बाराती रोकने योग्य नहीं है। जो मानस जी लाए हैं वो बालकांड का 101वां दुआ खोले। कल आप लोगों को कोई असुविधा तो नहीं हुई, चल रहे थे ना, पकड़ लोगे, ज्यादा नहीं, कोई एक आध दोहे के बाद में तुम्हें चौपाई गा ही लेता हूं, ऐसी कुछ नहीं है। थोड़ा रीडिंग करते रहिएगा, उल्टा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। जहां तक मेरा भाव है, 101वां दोहा बालकांड का, बराती रोकने योग्य नहीं है इसलिए बारात ज्यादा दिन रुकी नहीं। भोलेनाथ विदाई के लिए तैयार हुए, सासू मां मैना जी से विदाई मांग रहे हैं। मैना जी ने दोनों हाथ जोड़ के शिव से निवेदन किया, कहने लगी, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किं करी करे, समय सकले अपराध यह मांगई वर दे। नाथ, ये जो मेरी उमा है मुझे प्राणों की समान प्रिय है, इसे आप अपनी सेवा में रखिए। अगर कहीं कोई इससे त्रुटि हो जाए तो आप इसे क्षमा करें। कहते कहते मैना जी गदगद हो गई। शिव ने स्वीकृति दी है। मैना जी भोलेनाथ से यह निवेदन करके महल में आई है, बेटी को गोद में लिया है, उमा को स्नेह से हृदय से लगा के कहने लगी, बेटी तुम ससुराल जा रही हो। बेटा, ससुराल जा रही हो तो नारी धर्म का पालन करी। क्या नारी धर्म है? तो कहने लगी, करहूं सदा शंकर पद पूजा,
तुम्हारी धर्म पति दे बचने का ते भरे लो तमे बारी बचने का नारी जग माए पराधीन सपनों सुखनाई पराधीन अति प्रेम विकाल में तारी धीरज कीन कुसम जभी तारी धीरज कीन कुसम विचारी मैना जी शिक्षा दे रही है, कह रही है बेटा नारी का धर्म क्या है। मैना जी ने भी यहां उमा को शिक्षा दी और आगे सुनैना जी जानकी जी को शिक्षा देगी, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है कि जानकी जी जिस घर में जा रही है ब्याह करके महाराज, वहां पूरा परिवार है और उमा जहां जा रही है वहां कोई परिवार नहीं है, हमारे भोलेनाथ अकेले ही है। तो क्या कहा बेटी, शंकर की पूजा करना, करहूं सदा शंकर पद पूजा के नारी धर्म पति देहु न दूजा। नारी का सबसे बड़ा धर्म ही है पति सेवा करना। देखिए पूजा का मतलब क्या है, पूजा का मतलब यह है कि करवा चौथ हो उस दिन व्रत रखें,
पानी ना पिए। रात को जब चंद्र उदय होता है उस दिन धन से हम हरि के समर्पित हो जाते हैं, शरणागति का भाव होता है। वैसे ही अनुराग से पति पूजन करें। पूजा का मतलब कोई महाराज आरती उतारने की जरूरत नहीं है। करवा चौथ के दिन तो आरती उतारे, प्रणाम करें, बाकी लारे 364 दिन तक रोज लड़े महाराज, तो वो कैडी पूजा है बताइए। कहीं कहीं तो बड़ा ये पति देव ऑफिस से घर आए, पत्नी ग्लास दूध का ग्लास बना के लाई, बढ़िया केसर वेसर बादाम बादाम डाल के लो जी लो पियो पियो। पत्नी पति ने कहा कभी तू चाय नहीं पिलाती ये समय पे, जब से ब्याह करके लाया हूं तुझे हाथ से सुबह बना के मैं ही पीता हूँ, तुझे ही पिलाता हूँ, ऑफिस से आने के बाद में शम बना के पीता हूँ, कभी चाय नहीं पिलाती और आज बादाम का दूध। कहने नहीं पीलो जी पीलो पीलो, अरे तो बता तो सही दूध क्यों पिला रही है। तो कह रही है आज नाग पंचमी है ना, इसलिए महानगर में कहां नाग को देखूं। ये नहीं, एक दिन पूजन नहीं, पूजन का मतलब यही है मन कनम क्रम वचन। और यह आगे अरण्य कांड के अंदर अनुसुया जी जानकी जी से कहती हैं कि हे जानकी, नारी का एक ही धर्म है, क्या एक ही वर्त एक धर्म नेमा के काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति को प्रेम करे, ये एक नारी का धर्म है। मन वचन कर्म से प्रेम करना यही पूजा है महाराज, बाकी कोई पूजा इसलिए नहीं अगरबत्ती करें या आरती उतारे नहीं। पूजा कीन सहित अनुराग, अनुराग कब होता है, जब उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होगा। जहां राग हो वहां अनुराग नहीं हो सकता। अनुराग में प्रेम होता है, वैराग्य में कोई प्रेम प्रेम नहीं, और राग में तो आसक्ति होती है। पतिदेव 5,000 की साड़ी दिलाएं तो उस दिन तो बढ़िया प्रेम से बोलना, और जिस दिन मना कर दे उस दिन ये अनुराग नहीं, ये राग है महाराज। हमें जो मिला हमारी इच्छा के अनुरूप जो मिला तो महाराज हम खुश, और हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिला तो हम नाराज, ये राग है। अनुराग तो वो होता है जो जब जैसा मिले लेकिन फिर उसी आनंद में। मानस यही तो बताती है, वो अवध की पुत्र वधु महाराज जनक की बेटी, वह अवध का ऐश्वर्य जो स्वर्ग से भी कई गुना ज्यादा, जिसने विवाह के बाद ससुराल आने के बाद में पांव न रखा पृथ्वी पे, सीन दीन पग अवनी कठोरे। कौन कौशल्या जी कहती हैं, वह जानकी पति के साथ महाराज बिन पांव में पहनी 14 वर्ष तक घूमी। एक साड़ी जो घर से पहन के गई थी उसी साड़ी के अंदर 14 वर्ष बिताए, वो तो महाराज 12.5 वर्ष के बाद में, तकरीबन 12.5 के बाद में अत्री जी के आश्रम में गए, तब अनुसुया जी ने देखा, तब हमारी जानकी जी को दिव्य वस्त्र दिए, बाकी 12 वर्ष तक एक साड़ी में रही, साड़ी तार तार हो गई, पर पति से कभी राम जी से कहा नहीं कि हमारी साड़ी फट गई है, हमें और चाहिए नहीं। पति जिस हाल में रखे जैसे रखे, पति अगर वही प्रेम है महाराज। पूजा वही है, बाकी कोई आले में बैठा के पूजा करने की बात नहीं। या यही कहा है यही बेटी शंकर के चरणों की पूजा करना, क्योंकि नारी का धर्म यही है,
जैसे ये कहा है वचन कहत भरे लोचन बारी, कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। बहुरी लीन उर लायक कुमारी पुनः हृदय से लगाया और कहा बेटी हम तुम्हें क्या दें, या कहें कि तुम हमेशा सुखी रही हो, वो तो संभव नहीं है। क्यों? बड़ा सुंदर लिखा तुलसी बाबा ने, कह रही है मैं ना कत विधि सजी नारी जग माई के पराधीन सपने सुख नाही। विधि तूने नारी की रचना क्यों की, पराधीन सपने हूं सुख नाही। वो पराधीन है और पराधीन को सपने में भी सुख नहीं होता। बचपन में छोटी होती है तो माता पिता के अधीन, विवाह करके ससुराल जाती है तो पति के अधीन, और जब वृद्ध होती है तो बेटा बहू के अधीन, जीवन पूरा अधीन ही अधीन है। बेयति प्रेम विकल में तारी, कहते कहते मां प्रेम में व्याकुल हो गई। धीरज की न कु समय विचारी, धैर्य धारण किया क्योंकि समय नहीं है यह, अगर हम ऐसे अधीर हो जाएगी तो उमा पे क्या बीतेगी। कहा बेटी जाओ अपने नूतन घर में नए जीवन को शुरू करो। विदा किया है, हिमवान बहुत दूर तक पहुंचाने आए, शिव ने वापस भेजा भोलेनाथ, सबके साथ कैलाश आए हैं। देवता लोग विदा ले लेके अपने अपने धाम को गए और शंकर गणों के साथ कैलाश में विराजित हैं। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, कहा जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी, सिंगारन कहूं बतानी, सिंगारन कहूं बतानी, करही विविध विधि भोग बिलासा, करही विविध विधि भोग बिलासा, गणन सहित बसहि कैलासा, तब जन में हूँ छठ बदन कुमारा, भजन में हूँ छठ भजन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि
भगवान शिव और उमा जगत के माता पिता है। तुलसी जी कहते हैं इनके श्रृंगार का हम क्या वर्णन करें। गणों के साथ भोलेनाथ कैलाश में बस रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता। प्रथम संतान कार्तिक मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं का नेतृत्व किया और रणभूमि में तारकासुर का नाश किया। दूसरी संतान गजानन। देखिए मानस के प्रारंभ के श्लोक में तुलसी बाबा ने लिखा था, भवानी शंकरो सदा विश्वास रूपिणो। शिव विश्वास रूपी हैं और पार्वती श्रद्धा रूपी है। जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तो महाराज सबसे पहले पुरुषार्थ का प्रागट्य होता है और जीवन में जैसे ही पुरुषार्थ आएगा तो स्वतः ही विवेक आएगा और विवेक आने के बाद में ही राम का आगमन होता, राम जन्म होता है। या पुरुषार्थ रूपी कौन है? कार्तिक मुनि है। और विवेक रूपी कौन है? गजानंद है। शिव और उमा दोनों श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, जीवन में जब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं आएगी, और जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक महाराज विवेक नहीं होगा, राम आगमन नहीं होगा। विश्वास हम करेंगे, आपको विश्वास है कि तभी तो आप इस कथा पांडाल में आए हो, अन्यथा नहीं आते। ध्यान रखिएगा, ईश्वर पे विश्वास होगा तभी आप उसका गुणगान सुनेंगे और जब गुणगान सुनते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती है और जैसे श्रद्धा बढ़ेगी दोनों महाराज स्वतः ही प्रेम होगा। ये प्रेम ही राम जन्म है। ध्यान रखिए, श्रद्धा है आपका, मंदिर में जाओगे परमात्मा है, ये विश्वास है ईश्वर है, तो मूर्ति को देखते ही श्रद्धावंत सर झुक जाएगा। ये तो सबके साथ होता है, सभी को करते हैं। कहीं से जा रहे हो, मंदिर है, तो मंदिर को देखते हम स्वतः ही रुक जाते हैं, आंख बंद करके सर झुका देते हैं, पर उस विग्रह को देखने के बाद में अगर एक विशेष आनंद की अनुभूति हो, मन करे से देखते ही रहे, ये प्रेम है महाराज। ठीक है, मानस के उत्तरकांड के अंदर काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी को कि हे खगेश, विश्वास के बिना महाराज श्रद्धा नहीं होगा। जाने बिनु न होय परतीति, बिनु परतीति होय न प्रीति, और प्रीति बिनु नहीं भगति दृढ़ाई। आहा, बिना श्रद्धा और विश्वास के प्रेम नहीं होगा और जब तक प्रेम नहीं होगा, जीवन में भक्ति का आगमन नहीं होगा, तब तक जीव कैसा है? काकभूषण जी कहते हैं खगेश जल के चिकनाई। आहा, जिमी खगेश जल के चिकनाई। देखिए, एक पानी का लोटा भर लीजिए, उसमें दो चम्मच तेल डाल दीजिए और हाथ रख के खूब हिलाइए, क्या वह पानी और तेल एकाकार होंगे? बोलिए, आप भले दो घंटे हिला दीजिए, हिला के जैसे ही रखेंगे वो पानी के ऊपर तेल आ जाएगा, एकाकार नहीं होगा। जब तक महाराज जीव के अंदर अपनी बुद्धि की चिकनाई रहेगी तब तक वह ईश्वर से एकाकार नहीं हो सकता महाराज। जैसे जल और तेल अलग रहते हैं, जैसे ही प्रेम होगा, प्रेम होते ही स्वतः ही उससे एक है। भक्ति का मतलब यही है। कैसा प्रेम? सब तो हम सुनते हैं, लेकिन प्रेम कैसा? आपको उदाहरण के लिए एक बता दें,
एक ही इकलौता बेटा हो, बड़ी मन्नतों के बाद में घर में पुत्र का जन्म हुआ। मां उस बेटे से बहुत स्नेह करती है, मां का बड़ा दुलारा है वो। जैसे ही बड़ा हुआ विदेश चला गया नौकरी करने। पहले पहले तो 6 महीने 12 महीना में आता था, विवाह किया, पत्नी को ले गया, साल भर में आने लगा। अब तो 2-3 साल हो गए आया ही नहीं है, और नहीं उसका कोई फोन और पत्र आता है। वो बेटा मां के कलेजी की कोर है। उस मां को जैसे ही कोई कहेगा कि आपका बेटा आया नहीं क्या, उसका कोई पत्र आया, आप मुझे बताइए, उस बेटे का नाम लेते ही उस मां के आंखों में आंसू आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? बोली तो घंटों अकेली मां बेटे को याद कर करके रोती रहेगी, घंटों रोएगी। ऐसा मेरा क्या दोस्त, ऐसी मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई जो मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। आंसू दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती महाराज, स्वतः ही आ जाते हैं। वो मां का प्रिय बेटा दूर हो गया, मां उस बेटे को याद करके जैसे रोती है, वैसे ही कोई साधक मेरे हरि को याद करके रोए, यह प्रेम है महाराज। वो दूर हो गया, कहां करो, क्यों नहीं उसके दर्शन होते। ऐसा हमने क्या कर दिया जो हमें उसके दर्शन नहीं होते। जब उसकी मूर्त देखें, जब उसकी सूरत देखें, मंदिर में जाए मूर्ति को देखते ही आंखों में आंसू आ जाए, कथा को सुने तो आंसू बहने लगे। यही भक्ति की पहचान है, यही प्रेम है। मेरे प्रभु ने लखन से कहा ना कि हे लखन, मम गुण गावत पुलक शरीरा, अरे मम गुण गावत। अरण्य कांड में गद गद गिरावो नयन बनीरा, मेरे गुणगान गाते समय और सुनते समय वाणी गदगद हो जाए, आंखों में आंसू आए, तो सोचना उसको मुझसे प्रेम हो गया है। फिर उसको तो महाराज ऐसी बीमारी लग जाती है कि उसका कहीं इलाज नहीं। मीरा बाई ने कहा ना, अरे नव जीजा वेद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, अरे मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, अरे नव जीजा वेद क्या जाने मुझे ए दिल की बीमारी है। उसकी नब्ज महाराज कौन जान सकता है। उस पुत्र प्रेमी मां का कोई इलाज कर सकता है? उसका इलाज तो एक ही है, बेटा आ जाए। तो उस प्रेमी का इलाज वही है कि हरि मिल जाए, बस यह प्रेम है। जब तक जीवन में विश्वास श्रद्धा का मिलन नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं आएगा। और तुलसी बाबा ने इसीलिए सबसे पहले शिव कथा को लिखा है, शिव कथा के बाद में राम कथा को। धन्यवाद।
कथा सुनाते सुनाते याज्ञवल्क्य जी ने वाणी को रोका। भरद्वाज जी की तरफ देखा है तो भरद्वाज जी की आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं, ऐसे बैठे हैं। याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी से कहा कि मुनि, आपका जो शंकर प्रेम है, शिव प्रेम है, उसको देख के हम गदगद हो गए। आपके शिव प्रेम से हमें लगा है कि आप राम कथा के अधिकारी, आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं। आपके जैसा श्रोता मिल जाए ना तो फिर कथा कहने का आनंद ही कुछ और है। और वास्तव में बेटे तीन चार हो, चार बहुए आ जाए ना तो सासू जी को मारवाड़ में के पग बारी हो जावे, गोगरा बन जा। उस समय ये नहीं कि बड़ी वाली को कहे बहू जा तू बर्तन साफ करके ला भगवान की पूजा के, दूसरी को कह के प्रसाद बना के ला, तीसरी को कह दीपक बना के ला, चौथी को लोटा भर के ला। नहीं, अपना काम अपने हाथ से करिए, जहां तक बन सकता है महाराज, कभी किसी से सेवा मत करवाइए। मैं तो सही कहता हूं, किसी से सेवा मत करवाइए। जहां मजबूरी हो जाए, बीमार हो जाए या कोई शरीर अस्वस्थ है और आप उठ नहीं सकते तो अलग बात है, नहीं तो जहां तक हो सके किसी से सेवा मत करवाइए। सेवा करवा के अभी खुश हो जाओगे, अगर वैसे कर्म नहीं कर पाए तो पीछे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज, क्यों बंधन में बंधे? हम तो आपको कहते हैं, हम वही बात कहेंगे जो जीवन में थोड़ा बहुत हमने चरितार्थ किया है। हम अपने किसी से कोई सेवा नहीं करवाते, किसी से कोई काम नहीं करवाते। मुझे जो जानते हैं उनको मालूम है, राठी जी के पास हम 9 दिन रहे हैं, किसी से कभी यहां का नहीं, कहीं पे भी। घर पे रहते हैं तो भी किसी को नहीं कहते कि ये काम कर दीजिए, कोई करे तो जे जे हाथ से करे, शरीर चलता है, करना चाहिए। किसी से सेवा मत करवाइए, कितने भी आप वैभवशाली क्यों ना हो जाए, सेवा मत करवाइए। गणों का अंबार है, उमा हर क्षण सेवा में तत्परता से खड़ी है, लेकिन फिर भी मेरे भोलेनाथ ने अपने हाथ से जाके वाघंबर बिछाया, निज कर डारी नाक रिपु छारा, बैठे शंभू सहज कृपाल। हर क्षण सहज रहते हैं शंकर। तुलसी बाबा बोले, बैठे हुए शंकर कैसे दिख रहे हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, के धरे शरीर शांत रसु जैसे। शंकर को सहज भाव में बैठे देखा, पार्वती जी भोलेनाथ के पास में गई है। तुलसी बाबा बोले, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गयो शंभू पही मातु भवानी। शंभू पही मातु भवानी, पार्वती जी ने सही समय देखा। सही समय क्या, आज भोलेनाथ वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, सहज भाव में बैठे हैं, शांत रूप में बैठे हैं। उमा पास में गई, जैसे ही पास में गई, देखिए अगर नारी का धर्म पति की सेवा करना है तो पति का भी धर्म होता है।
पत्नी अगर पति का सम्मान करें तो पति को भी पत्नी का उतना ही सम्मान करना चाहिए। जैसे ही उमा भगवान शंकर के पास आई है, शिव ने क्या किया? जानी प्रिया अति आदर कीना, जानी प्रिया आदर कीना, वामे भागे हरे आसनु दीना। ही वामे भागे हरे आसनु दीना। प्रिया समझ के भोलेनाथ ने सम्मान किया, वाम भाग में बैठने का इशारा किया, देवी इधर बैठिए, पार्वती जी बैठी है। पर चकोरी की भांति भगवान शंकर के मुखारविंद को निहार रही है, टकटकी लगाए। शिव ने कहा क्या बात है? पर उमा के अंतःकरण में मन में कुछ बातें उमड़ रही हैं। क्या बातें उमड़ रही हैं? तुलसी बाबा लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि मुनि कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमार। वह कथा जो सब लोगों का कल्याण करने वाली है, उस कथा को उमा पूछना चाह रही है। मन में वह विचार है, शंकर जी को देख रही है। शिव ने कहा क्या बात है देवी, आज ऐसे क्यों देख रही हो? उमा के दोनों हाथ जुड़े और कहने लगी, विश्वनाथ विश्वनाथ ममे नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। आप संसार के नाथ हैं, विश्व के नाथ हैं। हाँ, आप मेरे भी नाथ हैं। शिव ने कहा आप कहना क्या चाहती हो? उमा कहने लगी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, आपकी महिमा तीनों लोकों में है। शिव ने कहा हां, आप कहना क्या चाहती हो वो बताओ, इतनी बातें क्यों घुमा रही हो? विश्वनाथ मम नाथ आपकी महिमा। उमा कहने लगी, आपसे एक निवेदन है। शिव ने कहा क्या? जो मोह पर है प्रसन्न सुखे राशि, जो मोह पर है प्रसन्न सुखे राशि। अगर आप हम पे प्रसन्न हैं, शिव ने कहा हम आपसे कब नाराज है, प्रसन्न ही तो हैं, कब आपसे हमने क्रोध कर रखा है? हाँ प्रसन्न है। तो उमा फिर कह रही है, जाना हूं मोई सत्य निधि दास, आप मुझे अपनी दासी सेविका समझते हैं? शिव ने कहा आप इतनी बातें घुमा रही हो, आखिर आप कहना क्या चाहती हो ये कहो ना। हाँ आपको हम अपना सब कुछ मानते, बोलो क्या कहना है, कुछ कहना तो चाहती हो? उमा कहने लगी, प्रभु यही कह रही हूं। क्या कह रही हो? तो कहने लगी, तो प्रभु हर हूं, तो प्रभु हर हूं मोरे अज्ञाना, तो हरि तो हर हर हूं मोरे अज्ञाना। अगर आप हम पे प्रसन्न हो, हमें अपनी सेविका समझते हो, तो इतनी हम पे कृपा करके हमारे अज्ञान को हरिए। आपका अज्ञान कैसे मिटेगा? पार्वती जी कहने लगी, मेरे अज्ञान को दूर करने का एक ही साधन है। शिव ने कहा क्या? उमा कह रही, कई रघुनाथ कथा विधि नाना,
प्रभु हरऊ, ओ प्रभु हरऊ, ए मोर अज्ञाना, ओ प्रभु हरऊ, मोरे अज्ञाना, कई रघुनाथ कथा विधि नाना। हमें राम जी की कथा सुनाइए, उसी से हमारा अज्ञान मिटेगा। पिछले जन्म में हम आपके साथ में अगर जी के आश्रम में गई थी, कथा सुनी नहीं। वापस आते समय राम जी को देखा, मन में संशय हुआ। आपने खूब समझाया, समझ में आई नहीं बात, परीक्षा ली, आपने त्याग किया, दूसरा जन्म लिया, पर अभी तक मेरे मन के वे संशय मिटे नहीं है। जिस राम नाम का मुनि योगी धीर ज्ञानी आप जपते हैं, वो राम और वो दशरथ जी के बेटे राम, जिसको आपने सचिदानंद कहा था, वो दोनों एक हैं कि अलग हैं? और दोनों एक हैं तो कैसे? ये मेरे मन का तो संशय अभी भी मिटा नहीं है कि जन्म हो गया, पुनः आपको पति रूप में पाया देव, पर अभी तक मन का वो संशय नहीं मिटा। और एक बात और कह दो प्रभु, जिसका घर कल वृक्ष के नीचे हो और वह अगर दरिद्रता सहन करें, तो उससे ज्यादा अभागा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बताइए, मुझे कहिए, या उमा ने मेरे भोलेनाथ से एक साथ में 12 प्रश्न किए। पार्वती जी कहने लगी, मेरे अज्ञान को मिटाने के लिए, मेरे संशय को मिटाने के लिए प्रभु मुझे आप सुनाइए आराम कथा। पर कैसे सुनाइए, क्रम बताया है। कहने लगी, प्रथम सुकार कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो आप हमें बताइए, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार क्यों होता है? पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं उदारा। राम जी के अवतार का क्या कारण है, राम अवतार क्यों होता है, राम जी ने बाल लीला कैसे की, वह सुनाइए हमें। फिर कहती है, अहू जथा दा न की वो बीवाही, अहू जथा दा न की वो बीवाही, राज प्रजा सो दूसमताई। बाल लीला की कथा के बाद में सीताराम जी के ब्याह की कथा सुनाइए, और राम जी को वनवास कैसे हुआ वह कथा सुनाइए। और प्रभु, वनवासी कीने चरित अपारा, वनवासी कीने चरित अपारा, कई नाथ जी मीरा वन मारा। कैनाथ जी मीरा वन मारा, वन में जाके क्या क्या लीला की, कैसे रावण का संहार किया,
असुरों का नाश कैसे किया वह सुनाइए। और रावण को मार के वापस अयोध्या आए, आके राजा बने, और राजा बन के क्या क्या किया। राज बैठ कीनी बहु लीला, राज बैठ कीनी बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुख सीला। सकल कहूं शंकर सुख सीला, राजा बन के क्या क्या किया वह बताइए। और प्रभु अंत में हमें यह बताइए, बहुरी कहूं करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा समेत रघुवंश मणि के किमी गवने निज धाम। प्रजा के साथ में मेरे प्रभु सांकेत कैसे गए वह भी कथा सुनाइए। तत्व तो क्या है, ज्ञान विज्ञान और क्या है यह भी बताइए। और प्रभु एक बात और हूं, राम रहस्य अनेक, राम जी के जो अनेकों अनेक रहस्य हैं, कहूं नाथ अति विमल विवेका, वह भी आप हमें समझाइए। और हे देव, जो प्रभु मैं पूछा नहीं हुई, अगर मैं कोई न पूछ पाई, मैं अगर भूल गई, मुझे न मालूम है, मैंने न पूछा है, सो दयाल राखूं जनी गोई, वो आप अपने अंदर ना रखिएगा, वो भी हमें बता दीजिएगा, कोई पीछे ना रखिए, हमें बताइए। जैसे ही पार्वती जी ने ये प्रश्न किए हैं, भगवान शंकर गदगद हो गए। तुलसी बाबा कहते हैं, हरहिया राम चरित सब आए, हरहिया राम चरित सब आए, पुलक शरीर लोचन जल देखिए। अभी हमने आपको बताया प्रेम क्या है। जैसे ही उमा ने शंकर जी के सन्मुख राम जी के चरित्रों की बात कही, शिव की क्या दशा हुई, पुलक शरीर लोचन जल आए, शंकर के हृदय में राम जी के चरित्र उमड़ने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया, आंखों में आंसू आए हैं। उमा की तरफ देखा और भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, धन्य धन्य गिरी, धन्य धन्य गिरी राज सोनी, धन्य धन्य गिरी राज कुमारी, जय गिरी राज कुमारी, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। उमा ने कहा, महाराज ऐसा हमने क्या कह दिया जो आप हमको इतना धन्य धन्य कह रहे हो। शंकर कहने लगे, हम आपको धन्य इसलिए कह रहे हैं, नहीं को हूं तुम समान उपकारी, नहीं को तुम समान उपकारी, आपके समान कोई उपकारी नहीं है संसार का, इसलिए हम आपको धन्य 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 कह रहे हैं। उमा ने कहा, महाराज
ऐसा हमने क्या उपकार किया जो आप हमको इतना धन्यवाद दे रहे हो। शिव ने कहा, देवी आपने जितना बड़ा उपकार किया ना उतना कोई नहीं कर सकता। उमा ने कहा, तो भी प्रभु हमें बताओ तो सही। शंकर कहने लगे, पूछे हूँ रघुपति कथा वो प्रसंगा, आप धन्यवाद की पात्र इसलिए हैं, आपको हम धन्य धन्य इसलिए कह रहे हैं कि आपने राम जी की कथा का प्रश्न पूछा है। तो महाराज इसमें धन्यवाद की क्या हुई बात, हमने अपने संशय को मिटाने के लिए पूछा। शिव ने कहा, देवी हम जो आपको कथा सुनाएंगे ना जरूर संशय आपके मिटेंगे, पर जो हम कथा सुनाएंगे वह कथा कैसी है मालूम? सकल लोक जग पाविनी गंगा, सकल लोक जग पाविनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किनेहूं प्रसन्न जगत हित लागी, किनेहूं प्रश्न जगत हित लागी, प्रश्न किया है जगत के हितार्थ। उमा ने कहा, महाराज ऐसा कथा में क्या है, हमने तो ठीक है अपने संशय को मिटाने के लिए प्रश्न किया है, पर आप कहते हो तो ऐसा क्या है कथा में? भोलेनाथ कहने लगे, जिन हरी कथा वो सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, हरी कथा वो सुन नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, सिर कट तुमरि समकूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला, ते सिर कट तुमरि समकूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला, नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोरे पंख जन लेखा, नयन ही संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोरे पंख जन लेखा, Thank you.
हरि भक्ति हृदय नैयानी सब समाते सब पानी। जो नहीं करई राम गुण गा जी हसदा दुरे जी समाना। जो नहीं करई राम गुण गा जी हसदा दुरे जी समाना। शिव कहने लगे हे उमा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने कथा को इन कानों से नहीं सुनी उन्हें क्या मालूम। उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। श्रवण यानी कान, रंद्र यानी छिद्र, अहि यानी सर्प, भवन यानी घर। ये कान नहीं है, सांपों के बिल है हमारा। ते सिर कटु तू मरी समतूला जेन नमत हरि गुरु पद मूला। उन लोगों के सर कड़वी तुम भी जैसे हैं जिन्होंने अपना सर भगवान के द्वार पे सतगुरु के चरणों में संत के चरणों में नहीं झुकाया। महाराज उनका सर कड़वी तुम भी के समान है, कोई काम का नहीं। कोई वस्तु भी डालें तो महाराज खारी हो जाए, पानी काम का न रखे तो ऐसी तुम्हें। नया नहीं संत दर्श नहीं देखा, इन आंखों से जिसने संत के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें कैसी हैं? लोचन मोर पंख जनु लिखा। मोर पंख के बीच में जो सुंदर चंद्र बिंदु होता है कितना सुंदर लगता है, पर उसका कोई औचित्य कोई मतलब नहीं। आंखें हैं लेकिन उस आंखों का लाभ नहीं। पर एक बड़ी बात कह दी भगवान शंकर जी ने। शंकर कहने लगे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी के जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है वह जीते जी मुर्दे हैं, मरे हुए। दुनिया की नजर में भले वो चलते जीवित हैं लेकिन वो मरे हुए हैं। जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है। जो नहीं कर ही राम गुण गाहा, जिसने इस जिव्या से राम जी के गुणगान नहीं गाए। जी हसो दादुर जी है समाना। उनकी जीव कैसी है? दादुर, दादुर कहते हैं मेंढक को। मेंढक दिन भर डर 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 करता है महाराज, कोई अर्थ नहीं। ये जो हमें भगवान ने बना के भेजा है, ये अंग दिए हैं, इसका बड़ा सुंदर कारण भी है। आप कभी विचार कीजिए, भगवान ने हमें दो आंखें दी है, दो हाथ दिए हैं, दो पांव दिए हैं, पर ये मुंह एक ही क्यों दिया? दो दिए होते तो मारवाड़ में कह दियो एक ही धपावे दो या होता तो कहीं करता। आंखें दो इसलिए हैं कि इस आंख से नहीं देख सकते तो इससे देखिए। कान दो इसलिए हैं कि इधर से न सुनो तो इधर से सुनो। हाथ दो हैं इससे न तो इससे करो। पर मुंह इसलिए है कि कम बोलो, सुनो ज्यादा, देखो ज्यादा, करो ज्यादा और बोलो कम। हम देखते कम हैं, सुनते कम हैं, करते कम हैं और बोलते,
बोलते जा रहा है। भगवान ने एक एक अंग सोच विचार के बनाया, ध्यान रखिएगा। अब और तो और, एक कान दिए किस लिए? सुनने के लिए। तो सुनाई कहां से देता? कान के अंदर जो पटल लगा हुआ वहां से सुनाई देता है। तो ए बच्चे ऊपर है लोड़ो कहीं वहां से रखाएगी, घर के बरामदे में बैठी बैठी जोर से ताली बजाएगी और चिड़िया उड़ जाएगी। चिड़िया उड़ेगी, धूप लगेगी और वो कीड़े निकल जाएंगी और वो अनाज साफ हो जाएगा। इसी तरीके से महाराज, ये जो हमारा जीवन है, हमारा ये शरीर है, ये अनाज रूपी है और इस अनाज रूपी जीवन में विषय रूपी कीड़े लगे हुए हैं। उन विषय रूपी कीड़ों को निकालने के लिए हम जैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाते हैं और उसी समय संशय रूपी पक्षी आके इसे कुदरने की कोशिश करते हैं, तो महाराज उस समय आप इस राम कथा का आश्रय लीजिए, राम कथा सुनिए और गाइए, संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे, विकार रूपी कीड़े निकलेंगे और आपका यह जीवन महाराज शुद्ध हो जाएगा। ये राम जी की कथा तो कुलाड़ी है। कैसी कुलाड़ी है? कलयुग के विकार रूपी जो वृक्ष है उसको काटने के लिए ये सुंदर कुलाड़ी है। पर ये कब काम करेगी? के सादर सुनो गिरिराज कुमार। अगर आप भाव से सुनेंगे तो, भाव से नहीं सुनेंगे तो नहीं। कथा एक ही है पर भगवान शंकर ने विराम करते समय कहा उमा से कि हे उमा, मुनि दुर्लभ हरि भक्ति पावहीं बिनु ही प्रयास। उत्तरकांड में मुनियों को भी जो दुर्लभ है वह भक्ति जीव को मिल सकती है। कैसे? जे यह कथा निरंतर सुनहीं मान विश्वास। जो इस कथा को निरंतर विश्वास समझ के सुनता रहे। पर एक बात ध्यान रखिएगा, चाह के भी सुन नहीं सकते। तुलसी जी कहते हैं प्रारंभ के अंदर कि जे सरदा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, के तिनको मानस अगम अति जिन्हीं प्रिय रघुनाथ। जिनके जीवन में सरदा नहीं है, जिन्हें राम प्रिय नहीं है, जिन्होंने संतों का संग नहीं किया, उनके लिए ये रामचरितमानस बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की। बाकी हम आपको कह दें, अगर इसको नित्य सुनिए, नित्य गाइए, आपको, आप ये सोचेंगे चौपाइयां तो वही की वही है, फिर क्या है? वही की वही है, पर महाराज जितना इसको सुनोगे, ज्यादा सुनोगे तो उन चौपाइयों से इतना आपको प्रेम हो जाएगा कि फिर दुनिया में किसी की जरूरत नहीं, ये मानस ही रहेगी। ध्यान रखिएगा, प्रेम हो जाएगा। मैं आपको सही कह रहा हूं। जहां बैठोगे, तुलसीदास जी गए सूरदास जी से जाके कहा जय सियाराम। उसी समय सूरदास जी ने कहा आप कौन? तुलसीदास हैं। तुलसी जी ने कहा महाराज आपसे हम कभी मिले नहीं, आपने कभी हमारी वाणी को सुना नहीं, आपने कैसे कह दिया कि मैं तुलसीदास हूं? सूरदास जी ने कहा तुलसी जी, सीताराम तो सब कहते हैं पर जो दर्द आपकी वाणी में है वो तुलसी के अलावा किसी की वाणी में हो नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा तुलसीदास। नाम लेने के साथ में अंदर से तड़फ निकले। हम तो सभी लेते हैं। चौपाई को गाओगे तो महाराज स्वतः ही एक दर्द निकलेगा आपके अंदर से, और वह दर्द, वह तड़फ, वह परमात्मा को पाने की दलक होगी। निरंतर गाइए। ऐसा मत सोचिएगा कि ये महाराज तो गाते हैं, इनके साथ तो संगीत वाले हैं, ये बाजा वाजा बजा के गाते हैं, हम कैसे गाएं? ए? ये बाजा वाजा की जरूरत नहीं है, ये तो हम रखते हैं, क्योंकि न रखे तो आप लोग बैठे नहीं, कई संस्कृति संगीत के प्रिय होते हैं, बाकी उस पर क्या फर्क पड़ता है।
हमारे भोलेनाथ पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, वहां कौन से बाजे बज रहे थे? अगर भाव से सुने, शिव ने कहा सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी सादर सुने। पर एक बात जो आपने कही हमें वो अच्छी नहीं लगी। उमा ने कहा क्या? आपने कहा वो राम ये राम दोनों एक ही की अलग है, ये ऐसी बात कौन कहे? मुकुर मलिन अरु नयन वही ना राम रूप देखें किमि बिना, जिनके मन रूपी दर्पण गंदे हुए हैं और जो नेत्रहीन है वो ऐसी बात कहें। बाकी हे उमा सगुन यगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन यगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रही सगुन सोही कैसे, जो गुण रही सगुन सोही कैसे, जलोहिम उपल बिलग नहीं जैसे, जलोहिम उपल बिलग नहीं जैसे, मुझे बताइए वो मानव शरीर क्यों धारण करता है? समझा के कहिए हे धर्म की ध्वजा को फहराने वाले। शिव ने कहा हे उमा हम आपको वो कथा सुना रहे हैं जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई, वही संवाद हम आपको सुना रहे हैं। आपने जब शरीर त्याग दिया तो हम आपके वियोग में दुखी होके घूमते घूमते एक बार नीलगिरी के पहाड़ों की तरफ गए, वहां राम कथा चल रही थी, काकभूषण जी पक्षियों को कथा सुना रहे थे, तो हम मराल यानी हंस का रूप धर के वहां बैठ के हमने जो कथा सुनी वही कथा हम आपको सुना रहे। आपने हमसे पूछा कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार क्यों होता है, तो उसका तो एक कारण है। उमाने का क्या कारण है? शंकर कहने लगे जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि,
शिवाद यदम असुरय विमानी करही अनीति दाई बरानी करही अनीति दाई बरानी धेनु सूर धरनी सीदाई विप्र धेनु सूर धरनी तब तब धरी हरि विविध शरीरा तब तब धरि हरि विविध शरीरा के हरहि कृपा निधि सजन पीरा के हरहि कृपा निधि सजन पीरा शिव कहने लगे हे उमा संसार में जब जब धर्म का हास होता है धर्म का हास कब होता है जब असुर बढ़ जाते हैं। अब असुर किसे कहते हैं असुर का नाम आते ही हमारे मानस में एक चित्र उभरता है कि काला कलूटा भयंकर देहधारी बड़े बड़े सर पे सींग होंगे बड़े बड़े नाखून दांत वह असुर होगा। नहीं महाराज असुर कोई स्वरूप नहीं है असुर कोई जाति नहीं है असुर तो एक वृत्ति है स्वभाव है व्यक्ति का ध्यान रखिएगा। असुर की परिभाषा दी है भगवान शंकर जी ने आगे उमा से कहते हैं भोलेनाथ के हे उमा बाडे खलबहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर द्वारा मान ही मात पिता नहीं देवा साधु सन करवा वही सेवा के जिनके अस आचरण भवानी ते निशिचर सम जानहु प्राणी। जो खल हैं जो चोरी करते हैं जो जुआ खेलते हैं पराये धन को हमेशा हड़पने की कोशिश करते हैं पराई नारी को कुदृष्टि से देखते हैं माता पिता की सेवा नहीं करते साधु जनों से अपनी सेवा करवाते हैं ऐसे जिनके आचरण हैं हे देवी वो सब के सब असुर हैं। जब संसार में ऐसी वृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो वो अनीति करते हैं नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं और वो नीति के विरुद्ध कार्य करने से दुखी होते हैं। कौन दुखी होते हैं विप्र ब्राह्मण देनु यानी गाय सूर्य यानी देवता धरनी यानी धरती। और ये जब दुखी होकर हरि को प्रार्थना करते हैं तो मेरा परमात्मा उनके कष्टों को मिटाने के लिए कष्टों का निवारण करने के लिए तब तब धरी हरि विविध शरीरा अलग अलग रूपों में मेरा प्रभु प्रकट होता है और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा साधु पुरुषों की पीड़ा को मिटाता है।
अवतार लेके क्या करता है, तो कहने लगे मारही असुर थापही सुरन राखही निज श्रुति सेतु के जग विस्तारही विशद जस राम जन्म करही। असुरों का नाश करते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं और संसार में अपने यश का बढ़ावा करते हैं। उमा ने कहा महाराज तो फिर असुरों का नाश ही करना था तो रावण को आके मार के चले जाते, फिर इतनी लीला करने की कहां जरूरत थी, जो पत्नी के वियोग में रोए फिर राज किया ये सब करने की कहां जरूरत थी। शंकर कहने लगे ही उमा जब मेरा ईश्वर संसार पे आता है तो वो मानव की भांति लीला करके वापस अपने धाम को जाता है और जैसे ही मेरा प्रभु वापस अपने धाम को जाता है तो उनके वो लीला की हुई जो कार्य है उसकी एक कथा बनती है और उस कथा को प्रभु के अपने धाम जाने के बाद में भक्तगण उस कथा को उस यश को गाके भगत भवरूपी सागर से पार होते हैं। हे उमा राम जी के जन्मों का कारण एक नहीं अनेकों अनेक है और वह सब विचित्र विचित्र है। सब तो हम आपको नहीं बता सकते पर एक दुई दोरे कितने हुए तीन, तीन कारणों को तुलसी बाबा ने विस्तार से सुनाया है मानस में और दो को संक्षिप्त में। जन्म एक दो कही बखानी के सावधान सुनु सुमति भवानी। आप सावधान हो के सुने, पहला कारण भगवान हरि के द्वारपाल जय और विजय जिनको सब कोई जानते हैं उनको सनक सनकादिकों ने श्राप दिया और वो असुर बने तीन जन्म में, पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे में वो दोनों दंतवक्र और शिशुपाल बने। उनको मुक्त करने के लिए मेरे प्रभु राम रूप में अवतरित हुए, एक जन्म का कारण यह। दूसरा कारण कह रहे हैं एक कल्प सुर देखे दुखारे समर जलंदन सन सब हारे। एक कल्प के अंदर देवता बड़े दुखी हुए, किस बात से, जलंधर नाम के असुर से सब देवता युद्ध में परास्त हो गए, सब हार गए। देवताओं ने जाके भोलेनाथ से प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता करें, शंकर देवताओं की सहायता के लिए आए हैं, देवताओं का नेतृत्व किया। संबुकीन संग्राम अपारा के दनुज महाबल मर ही न मारा। शिव ने अपार युद्ध किया पर वह जलंधर मरा नहीं। क्यों नहीं मरा तो उसका कारण कह रहे हैं शंकर, परम सती असुरा विपनारी के ताबलता हीन जीत ही पुरारी, के ताबलता हीन जीत ही पुरारी। उस असुर की पत्नी के सतीत्व के बल के कारण भगवान शंकर उस पे विजय नहीं हो पाए। उस जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा। आखिर में शिव ने मेरे हरि से प्रार्थना की विष्णु जी से और भगवान हरि ने कपट किया, छल किया मारा। पद्म पुराण में स्कंद पुराण में अलग अलग कथा है, दोनों का भाव एक ही है पर तुलसी जी ने लिख दिया कि छल करी टारहु तासुरत प्रभु सुर कारज की, कि जब ते जानहु मरम तब कि श्राप को पकरी दी। छल किया मारा, जलंधर का रूप धर के वृंदा का सतीत्व भंग किया और जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ उधर शिव ने जलंधर को मारा। यह असली बात जब वृंदा को पता चली तो वृंदा ने क्रोध करके मेरे प्रभु को श्राप दिया, कहा महाराज मेरे पति की अनुपस्थिति में आपने हमसे छल किया, हम आपको श्राप देती हैं कि आपकी अनुपस्थिति में मेरा पति छल पूर्वक आपकी पत्नी का हरण करेगा।
वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण बना और उसने सीता जी का हरण किया। पर वृंदा को यहां इतने में संतुष्टि नहीं हुई, कहने लगी आपका नाम दीन दयाल है, आप तो दीनों को प्रेम करने वाले हैं, आपका हृदय तो बड़ा कोमल है और आपने पाषाण रूपी हृदय करके हमारे साथ में ये छल किया, हम आपको श्राप देती हैं, आप पाषाण बन जाइए। जैसे ही वृंदा ने मेरे प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दिया, लक्ष्मी जी को क्रोध आया, कहा अरे वृंदा मेरे पति ने तो जन कल्याणार्थ देव हितार्थ ये कार्य किया, तूने उनको पाषाण बनने का श्राप दिया, हम तुम्हें श्राप देती हैं, तुम जड़ बन जाओ। वृंदा ने मेरे प्रभु से कहा महाराज मैंने आपको श्राप दिया क्योंकि आप तो मेरे अपराधी हैं, पर आपकी अर्धांगनी लक्ष्मी ने हमें श्राप दे दिया जड़ बनने का। मेरे प्रभु ने कहा वृंदा दुखी मत हो, तुमने हमें पाषाण बनने का श्राप दिया तो हमारी पाषाण के रूप में पूजा होगी और हमारी वह पूजा तभी सफल होगी जब तुम्हारा भोग लगेगा, वह जड़ में महाराज तुलसी बने। तुलसी के भोग बिना महाराज मेरे प्रभु की पूजा पूर्ण नहीं है। विष्णु स्वरूप की ध्यान रखिएगा, शंकर कहने लगे एक कल्प में राम जी के अवतार का कारण यह रहा। तीसरा कारण बता रहे हैं, शिव कहने लगे हे उमा नारद श्राप दीन एक बारा। एक कल्प लगी तब अवतारा, एक कल्प लगे तब अवतारा, गिरजा चकित भई सुने वाली, गिरजा चकित भई नारद विष्णु भगत अपनी जानी, नारद विष्णु भगत अपनी जानी, कारण कवन साप मुनि का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोही कल्प लगे तव अवतारा,
शिव कहने लगे उमा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया और नारद जी के उस श्राप को स्वीकार करके मेरे प्रभु राम रूप में अवतरित हुए। जैसे ही भोलेनाथ ने यह कहा कि नारद जी ने श्राप दिया, पार्वती जी के दोनों कान खड़े हो गए। गिरिजा चकित भई सुन बानी, आश्चर्य में, महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद जी तो हरि के भगत हैं और वो ज्ञानी हैं, उन्होंने श्राप कैसे दे दिया? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ऐसा क्या कारण हुआ जो मुनि ने श्राप दिया, और ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके लिए श्राप दिया? यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, यह कथा आप हमें विस्तार से सुनाइए, बताइए महाराज। कि मुनि मन मोह आचर झू भारी, नारद जी के मन में मोह, ये कैसे हो सकता है? भगवान शंकर मन ही मन हंसे। उमा ने जब कहा ना कि मुनि को मोह कैसे हो गया, शिव मन ही मन इसलिए हंसे कि तुम कह रही हो कि नारद जी को मोह कैसे हुआ, आप भी तो जग जननी जगत अम्बा हो, आपको मोह कैसे हो गया था? फिर कहा हे देवी, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, मेरा परमात्मा चाहे जिस मूढ़ को ज्ञानी बना दे और मेरा हरि चाहे जिस ज्ञानी को मूढ़ बना दे। कोई ज्ञानी नहीं है ना कोई मूढ़ है। हम कई बार कथा में ये एक दृष्टांत देते हैं, बड़ा सुंदर है हमारा। एक बार अकबर के दरबार में एक फकीर गया और फकीर ने जाके अकबर को, जिस समय भारत का वो सम्राट था, उस समय की बात है, मुगल काल के, प्रणाम किया, क्योंकि बादशाह है, भूदेव है। अकबर बड़ा ही नेक दिल व्यक्ति था, उसने उस फकीर से प्रश्न किया, बाबा आप क्या करते हैं? फकीर ने कहा, मालिक का नाम जपते हैं, मालिक को याद करते हैं, और तो क्या करते हैं? तो अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि बाबा आप जिस मालिक का नाम जपते हैं वो आपका मालिक करता क्या है, वो क्या करता है आपका मालिक? फकीर ने कहा, तुझे उत्तर चाहिए? अकबर ने कहा, तो तुझे उत्तर चाहिए तो नीचे उतर, ये जो तेरा सिंहासन है इसे नीचे उतर, वहां मुझे बिठा, फिर हम तुझे बताएं कि मालिक का क्या काम है। अब महाराज वो सिंहासन कैसे दे दे, बताइए दे। गांव का सरपंच होता है ना, उसको ही कह दे कि आप सरपंच आई हमको दे दो, देंगे क्या? ओ पूरे भारत का साम्राज्य उसका अधिकार, सीट कैसे, कुर्सी छोड़ते नहीं है महाराज लोग, वो तो स्वतः ही प्रजातंत्र में जनता छीन ले, वो बात अलग है। बाकी तो आज ही हम पढ़ रहे थे, मनमोहन सिंह जी कह रहे अभी एक बार और बनने की इच्छा है, लो कर लो बात, छोड़े कौन। बादशाह विचार में पड़ गया, बीरबल की तरफ देखा, बीरबल ने कहा महाराज उत्तर चाहिए तो बिठा दीजिए इन्हें और नीचे उतर जाइए। बादशाह ने कहा तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ, इनको बिठाया और कल को ये नीचे नहीं उतरा तो तुझे मालूम है सिंहासन मैंने कितना बड़ी मुश्किल से हासिल किया। बीरबल ने कहा जापना ये फकीर है, अरे इनको आपके सिंहासन से क्या लेना देना, ये फकीर है। फकीर की क्या परिभाषा है? किसी संत ने कहा फिक्र सभी को खा गया के फिक्र सभी का पीर के फिक्र की फाकी करे के उसका नाम फकीर।
इस दुनिया को महाराज फिक्र ने खा लिया है, और जो फिक्र को खा जाए वही तो फकीर हैं। इनको आपके सिंहासन से कोई लेना देना नहीं। अगर इनको ऊपर बिठाएंगे तो कोई आनंद नहीं, और आपके महल के बाहर अगर चट्टान पे बिठाएंगे तो कोई दुख नहीं, क्योंकि ये तो फकीर हैं, और फकीरों की तो मौज ही कुछ और है। बड़ा सुंदर एक भजन में कहा, अरे कबहुक जीवन ठंडा टुकड़ा, अरे कबहुक जीवन ठंडा टुकड़ा, अरे कबहुक जीवन ठंडा टुकड़ा, के कबहू की दपटो खीरोरी, वारे वारे भाई, अरे वारे वारे भाई मौज फकीरा, बाबा भाई मौज फकीरा की। फकीरारी रे अलगी राजी, फकीरारी अलगी राजी, फकीरारी अलगी राजी, वारे वारे भाई, वारे वारे भाई, वारे वारे भाई मौज फकीरारी, बाबा भाई मौज फकीरारी। कभी महाराज कोई भक्त अपने घर लेके गया खीर पूड़ी खिलाई, और कहीं भिक्षा लेने गए तो किसी गृहिणी ने क्रोध करके ठंडी रोटी डाल दी, वह खीर पूड़ी खाई तो कोई आनंद नहीं, और आज ठंडी रोटी खा रहे हैं तो कोई दुख नहीं। अरे कब हूं करे वन महल मालिया, 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 अरे कब हूं करे वन महल मालिया, कब हूं करे वन महल मालिया, अरे कब हूं के मड़ी रे मशाना दी, वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, वारे वारे भाई मौज फकीरा, वाह वाह भाई मौज फकीरा, फकीरारी रे अलगी रानी, फकीरा दी अलगी रानी, फकीरा दी अलगी रानी, वारे वारे भाई, वारे वारे भाई, वारे वारे भाई मौज फकीरा रे, बाबा भाई मौज फकीरा दी। कभी कोई भक्त अपने घर ले गया, बड़ा सुंदर महल बना हुआ है, दो चार दिन बाबा वहां रहे, वहां से निकले एक गांव पे गए, रात बहुत हो गई, सोचा गांव में जाएंगे कुत्ते भौंकेंगे लोगों की नींद खराब होगी, गांव के बाहर ही रुके, गांव के बाहर शमशान होते हैं, शमशान भूमि में जाके सो गए, और शमशान भूमि में सोए कोई दुख नहीं, महल में रहे तो कोई सुख नहीं। अरे कब हूं कयो डन साल दुसाला, कब हूं कयो डन साल दुसाला, कभी कोई भक्त ने बढ़िया सुंदर शॉल उड़ाई, उड़ के जा रहे कोई गरीब मिला, बाबा बहुत ठिठुरन है, बहुत सर्दी है, चंद हृदय नवनीत समाना, वो शॉल महाराज उसको दे दी, ठंड तो सबको लगती है, देह का दंड तो सबको भोगना, अब अति ठिठुरन बाबा जी को ठंड लगने लगी, ओढ़े क्या, इधर उधर देखा और तो कुछ नहीं मिला, कचरे के ढेर पे कोई पुराना फटा हुआ गुजड़ पड़ा था, रजाई पड़ी थी, अरे कबहू कयो डन साल दुसाला, कबहू कयो डन साल
कबहू के गुदड़ी लीरारी वारे वारे भाई वारे वारे भाई वाह वाह भाई मौज फकीरारी वाह भाई मौज फकीरारी फकीरारी अलगीरारी फकीरारी अलगीरारी फकीरारी अलगीरारी वारे वारे भाई वारे वारे भाई वाह वाह भाई मौज फकीरारी वाह भाई मौज फकीरारी किसी फकीर के जीवन में किसी संत के जीवन में ऐसी स्थिति कब आती है? बड़ा सुंदर लिखा, साहू अलाज पकड़ मिलिया पूरा, साहू अलाज पकड़ मिलिया पूरा, साहू ने अलाज पकड़ मिलिया पूरा, साहू अलाज पकड़ मिलिया पूरा, अरे साहू अलाज पकड़ मिलिया पूरा, साहू अलाज पकड़ मिलिया पूरा, मेरे भाई गुरु पीरारी वारे वारे भाई वारे वारे भाई वारे वारे भाई मौज फकीरारी वाह वाह भाई मौज फकीरारी फकीरारी अलगीरारी फकीरारी अलगीरारी ओए फकीरारी अलगीरारी वारे वारे भाई वारे वारे भाई वारे वारे भाई मौज फकीरारी वाह वाह भाई मौज फकीरारी फकीरों की तो मौज ही कुछ और है। ये फकीर हैं, आपके सिंहासन से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर चाहिए तो बिठा दीजिए। अकबर नीचे उतरा और फकीर को कहा, बाबा बैठिए। फकीर सिंहासन पर बैठा, कहा, बाबा अब बताइए मालिक का क्या काम है। फकीर कहने लगा, सुन बादशाह, पहले हम नीचे खड़े थे, तुम ऊपर बैठे थे, अब हम ऊपर बैठे हैं, तुम नीचे खड़े हो, पर ये तेरे सर का ताज है, मुझे पहना। खाली सीट पे बैठने से क्या होता है, ताज पहना। अब ताज पहनाने का कहा तो बादशाह तो बड़े विचार में पड़ गया। ताज पहनाओ मतलब को बीरबल की तरफ देखा, बीरबल ने कहा, महाराज पहना दीजिए। अकबर ने कहा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, ये ताज पहना और सैनिकों को कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो मेरा तो राज गया। बीरबल ने कहा, महाराज हमने कहा ना ये फकीर हैं, इनको आपके इस राज्य से कोई लेना देना नहीं। और वास्तविकता एक राजा को पता चला कि उसके राज्य के इस जंगल में एक बाबा जी रहते हैं जिनके पास में पारसमणि है। तो राजा उस संत के पास गए, जाके प्रणाम किया। संत ने पूछा, आओ भाई कौन हो तुम? राजा ने बिना कुछ कहे सीधा सीधा कह दिया, महाराज मैं इस नगर का राजा हूं। ओ अच्छा, कैसे आना हुआ? तो कहा, देव हमने सुना है कि आपके पास पारसमणि है। संत ने कहा, तो हमें दे देंगे? पास ही घास के अंदर पारसमणि पड़ी थी। संत ने निकाली और कहा, ले जा। राजा वो पारसमणि लेके चला, आधे रास्ते आया विचार करने लगा, मेरे जैसा कोई मूर्ख व्यक्ति है? अरे मुझे कम से कम संत से पूछना तो था कि आपके पास में कौन कौन सी मणि है। अगर चिंतामणि होती, हीरमणि होती, इस पारसमणि से तो लोहा सोना बनेगा, हीरमणि होती तो कंकड़ सब हीरे पन्ने ज्वारात बन जाते, और चिंतामणि होती तो मन में संकल्प करती वस्तु हाजिर हो जाती। वापस आया, संत ने पूछा, कैसे आना हुआ? तो कहने लगा, बाबा आपके पास में और कोई मणि है? संत ने कहा,
अरे वो मणि तो इतनी बड़ी है कि इस मणि का तो उसके आगे कोई मूल्य ही नहीं है। राजा ने कहा तो बाबा मुझे वह मणि दे दीजिए और ये वापस ले लीजिए। संत ने कहा राजन दी हुई वस्तु हम वापस लेते नहीं और एक के होते दूसरी देते नहीं। राजा ने कहा महाराज हमें तो बड़ी वाली मणि चाहिए। संत ने कहा ना हमने आपको कह दिया तो फिर महाराज कैसे मिले। संत ने कहा एक काम कर ये तो यहां नदी बह रही है। राजा ने कहा उस नदी में जाओ गहरा बहाव हो इस पारस मणि को वहां फेंका फिर पीछे मेरे पास आ जा मैं तुझे वो बड़ी वाली मणि दे दूं। राजा लालच में आया हुआ गया और जहां वह नदी तेज बहाव से चल रही थी अपनी जितनी ताकत लगा के उस पारस मणि को उस नदी में फेंका और वापस आया कहा बाबा फेंक आया। संत ने कहा इधर। राजा पास में गया तो कहा कान ला। राजा कान लेके गया। संत ने कहा बोल बेटा राम। बाबा मणि। संत ने कहा रे मूर्ख आदमी संसार में इससे बड़ी मणि कहां है क्या करेगा सोने का क्या करेगा हीरे पन्ने द्वारात का ये कुछ भी तेरा नहीं है। और वास्तविकता बात यही है महाराज। मेरे प्रभु मन में विचार करने लगे मेरे भक्त के हृदय के अंदर अहंकार का अंकुरण हो चुका है अहंकार रूपी पौधा लग चुका है। अगर इसको जितना जल्दी उखाड़ा नहीं तो ये पौधा कल को वृक्ष बन जाएगा फिर काटना बड़ा टेढ़ा होगा। नारद जी को कुछ नहीं कहा। नारद जी विदा लेके जैसे ही चले मेरे प्रभु ने कौतुक किया जिस रास्ते से नारद जा रहे उसी रास्ते के बीच में एक 100 योजन विशाल नगर का निर्माण किया। उस नगर का नाम माया नगर। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि उनके एक राजकुमारी बेटी जिसका नाम विश्व मोहिनी। नारद जी उधर से जा रहे थे नगर की सजावट को देखा और पूछा क्या बात है भाई इस नगर को क्यों सजाया जा रहा है तो कहा हमारे राजकुमारी का स्वयंवर है। ओहो तो आपके राजा का महल ये रास्ता सीधा महल में जाता। नारद जी सीधे महल में आए। सेल निधि ने नारद जी का सम्मान किया चरण पखारी पूजा की आसन दिया नारद जी बैठे। उसी समय विश्व मोहिनी आई है। राजा ने हाथ जोड़ के कहा देव आप तो त्रिकालज्ञ हैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाले मेरी बेटी का हाथ देख के बताइए इसका कल स्वयंवर है इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी को हाथ देखने का कहा था पर नारद जी ने हाथ नहीं देखा पहले मुंह देख लिया। वो तो विश्व मोहिनी हरि की माया है माया में सब मोहित होने वाले नारद जी भी मोहित हो गए। अब हाथ को देख रहे हैं तो हाथ की रेखाएं नारद जी को उल्टी दिख रही है। नारद जी हाथ में क्या लिखा हुआ है हाथ में तो रेखा यह है कि जो ब्रह्मांड अधिपति होगा अजर होगा अमर होगा सर्वगुण संपन्न होगा युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा वह इस कन्या का पति होगा। नारद जी क्या देख रहे हैं जो इस कन्या से पुरुष विवाह कर लेगा वह अजर हो जाएगा अमर हो जाएगा सर्वगुण संपन्न हो जाएगा अखिल ब्रह्मांड अधिपति बन जाएगा। नारद जी ने सोचा अरे कामदेव को जीत के हम शंकर से बड़े हो गए अब अगर इस राजकुमारी से हमारा विवाह हो जाए तो हम विष्णु के बराबर हो जाए। आहा पर विवाह हो कैसे हम तो जहां जाए लोग कहें महाराज प्रणाम और उसके लिए तो सुंदर रूप चाहिए। राजा ने कहा महाराज मेरी बेटी का कुछ गुण दोष बताए और नारद जी वहां से चले। विचार करने लगे क्या करें क्या ना करें जिससे सुंदर रूप मिले और ये राजकुमारी हमें वरण करें। विचार करते करते जा रहे हैं सोचा जप तप हो या नहीं ये काला हे विधि कवन मिलई ये बाला। इस समय जप तप हो नहीं सकता और ये राजकुमारी कैसे हमें वर्ण करें। फिर सोचा सुंदर रूप चाहिए तो सुंदरता तो हरि से ज्यादा किसी की है ही नहीं तो क्यों ना हरि के पास जाएं और हरि से न मांगूं सुंदरे ताहि भगवान से सुंदर रूप मांग ले अपना काम बन जाएगा। कहां जाएं
उसका तो ठिकाना एक नहीं अनेक है, बैकुंठ में मिले, क्षीर सागर में मिले, कहीं अन्यत्र मिले। फिर सोचा भगवान तो सब जगह है, तो क्यों ना यहीं खड़े रह के उसको पुकारे। और नारद जी वहीं हाथ में वीणा लेके दीनहीन होके मेरे प्रभु को पुकारने लगे, कहने लगे, बिगड़ी सुधार मेरी, अरे प्रभु सुन ले पुकार मेरी, तुम बंसी बजाने वाले सुन ले पुकार मेरी, हरी सुन ले पुकार मेरी, तुम बंसी बजाने वाले, हरी मुरली बजाने वाले, बिगड़ी सुधार मेरी, हरी सुन ले पुकार मेरी, सुधार मेरी, अरे सुन ले पुकार मेरी, हरी सुन ले पुकार मेरी, तुम बंसी बजाने वाले, हरी मुरली बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, हरी सुन ले पुकार मेरी, गजे अर्दई नाम पुकारो, गरुड़ छोड़ी धायो, गजे अर्दई नाम पुकारो, गरुड़ छोड़ी धायो, ग्रह कुमार गज को तारो, ग्रह कुमारी गज को तारो, ग्रह कुमार गज को तारो, अन्न छुड़ाने वाले की बिगड़ी सुधार मेरी, सुन ले पुकार मेरी, तुम बंसी बजाने वाले, हरी मुरली बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, हरी सुन ले पुकार मेरी। कभी राम बने कभी काना, आ ते हो करके बाना, कभी राम बने कभी काना, ते हो करके बाना, कभी राम बने कभी काना, 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 आते हो करके भगतों के रखवारे, प्रभु भगतों के रखवारे, बिगड़ी सुधार मेरी, हरी सुन ले पुकार मेरी, तुम बंसी बजाने वाले, हरी मुरली बजाने वाले, सुन ले पुकार मेरी, हरी सुन ले पुकार मेरी।
श्राप झूठ हो जाए, प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप झूठ हो जाए। मेरे प्रभु कहने लगे, मुनि इस संसार में ना तो कोई किसी को श्राप दे सकता है, ना कोई किसी को वरदान दे सकता है। ये जो कुछ भी होता है ना, मम इच्छा कर दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये सब मेरी इच्छा से होता है। नारद जी ने कहा, प्रभु इच्छा भले आपकी रही हो, पर ये गाली तो मैंने दी ना, ये आपको अपशब्द तो मैंने कहे हैं, ये इस दिव्या से निकले हैं तो मेरे पाप कैसे मिटेंगे। मैं दूरी बचाना मिटाई किमी मोरे, मैंने आपको गाली दी, प्रभु ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे, मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। मेरे प्रभु ने कहा, नारद जिसने आपको मना किया, अगर उनकी बात को मान लेते ना तो आज ये आपकी गड़बड़ नहीं होता। तो जिनका आपने अपराध किया, जिनका आपने अपमान किया, उन्हीं की शरण में जाइए। हे मुनि, जपहूं जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्राम, नहीं को नहीं कौ शिवा समान प्रिय मोरे, यसी परती तदौजन मोरे, जाइए उस शिव के 100 नाम जपिए, आपके हृदय में विश्राम होगा, शांति होगी। क्योंकि हे नारद, शिव से ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है। और एक ध्यान से सुन लो मुनि, जा पर कृपान करहि त्रिपुरारे, जा पर कृपान करहि त्रिपुरारे, सोने पाव मुनि भगति हमारे, ए सोने पाव मुनि भगति हमारे, जिस पे शंकर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति को पा नहीं सकता। एक बात और मुनि, आज के बाद में आपके जीवन में ये मेरी माया कभी भी व्याप्त नहीं होगी। जैसे ही मेरे प्रभु ने यह कहा, नारद जी बड़े प्रसन्न होके जाने लगे, हरि अंतर ध्यान हुए। और उसी समय नारद जी को प्रसन्न देख के वो भगवान शंकर जी के गण दोनों नारद जी के पास में आए, हाथ जोड़ के कहने लगे, हरे गण हमन
विप्र मुनि राया। अरे हम तो भगवान शंकर के गण है मुनिदेव, हम ब्राह्मण नहीं है। अरे गण हमन विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। हमने जो आपका अपराध किया उसका फल हमें मिल गया, आपने हमें असुर बनने का श्राप दे दिया। पर हे देव, आप तो संत हैं और संत तो जीवों पे दया रखते हैं, हम असुर बनेंगे पर असुर योनि से मुक्त कैसे होंगे? वह तो कम से कम मैं हमारे प्रभु से, मेरे प्रभु से तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम मुक्त हो जाओगे, पुनः संसार में तुम नहीं आओगे। शंकर कहने लगे, हे उमा, वो ही दोनों गण नारद के श्राप के कारण दूसरे जन्म में असुर बने, रावण और कुंभकर्ण, जिन राम जी को आपने सीता जी के वियोग में रोते हुए देखा, उसी नारद के वचनों को सत्य करने के लिए मेरे प्रभु रो रहे थे। एक अवतार मेरे परमात्मा ने इस कारण लिया। भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है, करोड़ों कल्प भी लग जाएं पर कोई भी उसको गा नहीं सकता। राम जी के तो इतने ही विशाल चरित्र है, हम आपको क्या सुनाएं? शिव कहने लगे, तो देखिए महाराज, तीन कारणों की कथा हमने आपको सुनाई। दो कारणों की कथा के साथ में कल हम इस अवध धाम में जहां राम जी की लीला का गान होता है, वह स्थल अपने आप में धाम बन जाता है। तो महाराज, ये 9 दिन के लिए आपका मुकुट मांगलिक भवन नहीं है, ये तो अयोध्या धाम है। इस अवध धाम में कल राम जी का प्रागट्य होगा, कल राम जन्म उत्सव हम मनाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान उमापति महादेव की, त्रिबाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सतगुरु भगवान की, हरिओ नमः पार्वती पते हर